राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 9 नवंबर को किसानों से किए गए वायदे पूरे नहीं करने के खिलाफ असंतुष्ट और आक्रोशित किसानों द्वारा विश्वासघात दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 9 नवंबर को किसानों से किए गए वायदे को पूरा न करने के खिलाफ असंतुष्ट और आक्रोशित किसानों द्वारा सोमवार को पूरे देश में विश्वासघात दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत दुर्ग के हिंदी भवन के सामने आक्रोशित किसानों ने वादा निभाव को लेकर अपना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने किसानों के एक साल से अधिक चले किसान आंदोलन के दबाव में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। वहीं दुर्ग संयोजक राजकुमार गुप्त, पुरुषोत्तम बघेला, कल्याण सिंह ठाकुर, पूरनलाल साहू, मंगलूराम बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि उपजों के न्यूनतम गारंटी मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी बनाने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले 700 से अधिक किसानों के परिवार को आर्थिक मदद देने का वायदा किया था, जिस पर विश्वास करते हुए किसानों ने आंदोलन को स्थगित तो किया था, किंतु 2 माह में सरकार ने किसानों से किए गए वायदे को पूरे करने की दिशा में कोई पहल नहीं की, जिससे किसान आक्रोशित हैं। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने जिला मुख्यालय दुर्ग के अलावा बोरी, नागपुरा और अंडा में विश्वासघात दिवस मनाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। दुर्ग में संगठन की ओर से संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। 13 महीना देश में किसानों का आंदोलन चला। केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से वादा किया कि किसानों को हम समर्थन मूल्य में न्यूनतम गारंटी देंगे, उसके अलावा शहीद हुए किसानों का उनका मुआवजा देंगे, पलारी जलाने, विद्युत बिल अधिनियम, इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने वादा किया है और वादे का अमल नहीं कर रही सरकार, वादे से भाग रही है, वादे से मुकर रही है। इसलिए आज पूरा राष्ट्रीय पैमाने पर, देश पैमाने पर देश के किसान आज सड़क में सरकार को पुनः आग्रह कर रहे हैं, पुनः उनको चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अपने वादे को अमल करे, किसानों की समस्याओं पर जो चर्चा हुई है उसका पालन करे, वादा निभाए। वादा खिलाफी करने वाले सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। उसी कड़ी में दुर्ग जिला बोरी तहसील के तहत यहाँ पर किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के वादा निभाने के खिलाफ पूरे देश में सरकार आज मैदान में उतरे हैं। यह एक चेतावनी है, आने वाले समय में किसान फिर सड़क में उतरने के लिए तैयार होगा। इसलिए सरकार से यह आग्रह है कि सरकार उसका पालन करे, लिखित समझौते पर अमल करे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।